हे गाइस, एसएससी फेज एट का रिक्रूटमेंट निकला है और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट्स के लिए भी वैकेंसीज है, और ट्वेल्थ पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, और जिन्होंने टेंथ कर रखी है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, सारा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वीडियो में बता दूंगा, और ट्राई करूंगा जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में आंसर हो जाए। ओके तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता देता हूँ मैं तुम्हें। चार सेक्शन होंगे पेपर में, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन दो नंबर का है और 0.5 मार्क कट जाएगा अगर गलत आंसर दोगे, ठीक है। एंड दी स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज्ड, तो अलग अलग सेशंस में पेपर होगा और स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पोजीशंस हैं जिसमें मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए, कुछ पोजीशंस में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, एंड कुछ पोजीशंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर ग्रेजुएशन वाले 12th और 10th की पोजीशंस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके जैसे सपोज मेरे पास ग्रेजुएशन है, तो अगर मुझे ग्रेजुएशन वाली पोजीशन पे भी अप्लाई करना है, 10th वाली पोजीशन पे भी अप्लाई करना है और 12th वाली पे भी अप्लाई करना है, कर सकते हो, तीनों पे कर सकते हो, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके दूसरा, जो फाइनल ईयर है वो फाइनल ईयर एलिजिबल ग्रेजुएशन वाली पोजीशंस पे नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट रहती ही है किसी को, बहुत ज़रूरी है कि जॉब चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तो वो 10th और 12th की पोजीशंस पे अप्लाई कर सकता है। ओके लेकिन फाइनल ईयर वाले ग्रेजुएशन वाली पोजीशंस पे एलिजिबल नहीं है, जिनके पास डिग्री आ चुकी है वही अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मिनिमम बेसिक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी है। ओके और जिन पोजीशंस के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन लेवल है उसका सिलेबस ये है, ठीक है, तुम पॉज करके देख सकते हो। जिन पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है 10+2 उसका सिलेबस ये है, और ग्रेजुएशन वालों का ये सिलेबस है, तो सिलेबस अलग है। ओके लेकिन सेक्शन सेम है, सेक्शन यही आएंगे, ठीक है, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग रहेगा और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहेगा ग्रेजुएशन वालों के लिए एज कम्पेयर टू 10th एंड 10+2। ओके नेक्स्ट मैं तुम्हें एक दिखा देता हूँ वैकेंसीज कैसे दे रखी हैं, बहुत बड़ा फॉर्म है यार ये, तो तुम्हें आइडिया तो दे ही दिया मैंने, वैकेंसीज भी दिखा देता हूँ और एज लिमिट भी उसी में लिख रखी है, वो एक अच्छा टेबल बना रखा है इन्होंने, तो मैं एक एग्जाम्पल एक सैम्पल के तौर पर वो दिखा देता हूँ। ओके ये दे रखा है जैसे टेबल उन्होंने, तो इसमें क्या है, पोस्ट नेम भी मेंशन कर रखी है, डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है, एज मेंशन कर रखी है, पे स्केल मेंशन कर रखा है, और बेसिक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल भी मेंशन कर रखा है, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन कर रखी है। बहुत सारी वैकेंसीज है यार, बहुत बड़ा टेबल है, तुम देखोगे पीडीएफ में तो पता लगेगा तुम्हें। तो जैसे ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है उसका, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, लेवल 6, मतलब ₹35,400 to ₹1,12,400, मतलब बेसिक पे जो तुम्हारी है वो 35,400 है जूनियर इंजीनियर की जो होती है। ओके और इसमें ग्रेजुएशन एंड अबव, मतलब मिनिमम जो तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो मतलब काफ़ी सारी पोजीशंस है और आपकी एजुकेशन के हिसाब से आप उन पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर तुम्हें देखनी है वैकेंसीज वगैरह तो तुम पीडीएफ में जाके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म है ये, तो एक आइडिया देना था मैंने तुम्हें कि क्या वैकेंसीज हैं और क्या तुम तीनों में अप्लाई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, तीनों में अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर वाले ग्रेजुएशन वाली पोजीशन में एलिजिबल नहीं है, जिनके पास डिग्री है वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो लास्ट डेट इसकी है 20th of March, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आज ही वीडियो देखोगे साथ के साथ ही अप्लाई कर देना, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है और अच्छा चांस है यहाँ होने का, जूनियर इंजीनियर एक अच्छी पोजीशन है ग्रेजुएशन वालों के लिए और सैलरी भी अच्छी रहती है। ओके थैंक यू।